राजधानी की जालूपुरा थाना पुलिस ने ठगी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी राजेश सोनी ने एमआई रोड पर विकास ज्वेलर्स से चेक के जरिए 18 लाख का सोना खरीदा था, लेकिन बैंक में रुपए नहीं होने के कारण पेमेंट नहीं हो पाया और ऐसे में दुकान मालिक ने थाने में ठगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने अब इस आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि युवक ने पहले भी भीलवाड़ा और बीकानेर सहित प्रदेश के कई जिलों में ठगी की वारदातों को अंजाम दिया है और साथ ही युवक पर फौजदारी के भी कई मुकदमे दर्ज हैं। और इसके बाद पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे आरोपी को पुलिस कस्टडी में अब भेज दिया गया है। राजेश सोनी नाम का मुलजिम है जो पूर्व में कई बार से कर चुका है और ये चीटर है, काफी लोगों के साथ इसने चीटिंग की है। एमआई रोड पर विकास ज्वेलर्स के साथ में इसने 18 लाख रुपए का सोना ले गया और जब उसने चेक दिया, चेक में पैसा नहीं था तो उसने कहा मेरा सामान वापस ले लो। जब सामान वापस लेने गया तो ये कमरे में से खिड़की में से कूद के भाग गया और उसके बाद में इसको गिरफ्तार किया गया। इसके खिलाफ पुख्ता सबूत मिले, पहले का रिकॉर्ड में देखा गया तो उसने काफी बार कर चुका है और उसने जो माल था वो फुटबुट कर दिया। हमारे अनुसंधान में इसको चीटिंग का दोषी पाया गया तो इसको गिरफ्तार किया। इसके बेटे का भी रोल था उसमें। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।